हाय गाइस, तो आज हम बेसन के मोदक बनाने वाले हैं। तो भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी के दिन हम सभी के घर पर गणेश जी का आगमन होता है। तो आज हम गणेश चतुर्थी स्पेशल स्वादिष्ट गणेश जी के बहुत ही प्रिय मोदक बनाने वाले हैं, जो कि बिना मावा बिना चाशनी बेसन के फटाफट से तैयार होने वाले मोदक बनाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल वैशाली इंडियंस रेसिपी में। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी बेसन लिया है, तो यहाँ पे हम सारा मेजरमेंट इस कटोरी से करेंगे। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। मेजरमेंट से बोले तो यहाँ पे हमने 150 ग्राम बेसन लिया है। तो चलिए यहाँ पे हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, उसमें हम 4 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। इसे मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा घी मेल्ट हो चुका है, इसमें हम धीरे धीरे बेसन ऐड करते हुए इसे इस तरह से चला लेंगे। अच्छी तरह से घी के साथ बेसन को रोस्ट करेंगे यानी कि भुनेंगे। यहाँ पे हमें बेसन को बहुत ज्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ हमें इतना ही भुनना है कि बेसन का कच्चापन निकल जाए। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है, तो इसी तरह से लो फ्लेम पे हम बेसन को चलाते हुए रोस्ट करेंगे ताकि ये जले नहीं। शुरू में तो आपको ये थोड़ा सा ड्राई दिखेगा क्योंकि बेसन ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है, पर जैसे जैसे हम इसे रोस्ट करते जाएंगे बेसन घी को रिलीज करने लगेगा और अपना मिक्स थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। और आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। तो ये बेसन के मोदक बनाने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में बेसन ने घी को रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए बेसन में से घी रिलीज हो गया है, कच्चापन निकल गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें 3/4 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग चीनी कम ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लो फ्लेम पे ही चीनी को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पे हम इसमें 1 कटोरी सिंपल उबला हुआ दूध ऐड करेंगे और इस दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। केसर को हल्के गर्म दूध में भिगो कर रखा था, इसमें हम ये दूध भी ऐड करेंगे, ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर अवेलेबल हो तो आप डालिए, वरना मत डालिए। पर केसर डालने से कलर भी आएगा और स्वाद भी बढ़ेगा। अब इसी तरह से लो फ्लेम पे इसे हम 2 मिनट के लिए चला लेंगे। तो ये देखिए हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें उसी कटोरी से 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से इसमें मावे वाला स्वाद आएगा, फिर आपको इसमें मावा ऐड करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। और आपको लगे तो आप काजू का पाउडर या नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मिल्क पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैन को पूरी तरह से छोड़ने लगा है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं इस तरह से उंगली की मदद से। इसकी देखिए कैसे बॉल बन रही है, हाथों में चिपक नहीं रहा है। तो ये मोदक बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे और इसे साइड में निकाल लेंगे। जब तक अपना मिक्स ठंडा हो रहा है तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। तो अपने मोदक की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे हम 1 बाउल में 1/2 कटोरी नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने काजू बादाम और पिस्ता इस तरह से चॉप कर लिए हैं। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम इस नारियल के बुरादे में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये पीनट बटर लिया है, जो कि बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है, बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसमें और भी फ्लेवर आते है, आप किसी भी फ्लेवर का पीनट बटर ले सकते हैं। इस नारियल के बुरादे में हम 1 बड़ा चम्मच पीनट बटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब गणेश जी के प्रसाद के मोदक सब खाएंगे तो कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि अंदर की फीलिंग आपने किससे बनाई है। और अगर आपके पास पीनट बटर अवेलेबल ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए हमने सारी बॉल्स बना ली है। हमारा बेसन का मिक्स भी ठंडा हो चुका है, तो अब हम फटाफट से मोदक बना लेंगे। हमारे मोदक बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये मोल्ड लिया है। मोल्ड में इस तरह से बेसन वाली फिलिंग भर लेंगे, बीच में थोड़ा सा गैप करके इसमें पीनट और ड्राई फ्रूट्स वाली फिलिंग का बॉल ऐड करेंगे और थोड़ा सा बेसन का मिक्स ऊपर से लगा लेंगे। अब हम मोल्ड को धीरे से खोल लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारा दूध और बेसन से बना मोदक तैयार हो चुका है। तो ये देखिए हमारा बेसन वाला मोदक बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह से हम बाकी सभी मोदक बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे मोदक बनकर रेडी है, अब हम इन्हें प्लेटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इन्हें प्लेटिंग कर लिया है, अब हम इन्हें गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे आप मोदक को मनचाहे वैसा गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पे हम मोदक को गार्निश के लिए केसरी कलर और साथ में पिस्ता थोड़ी केसर लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे मोदक को कलर केसर और पिस्ता से गार्निश कर लिया है। तो अब बारी आती है कट करने की, तो चलिए हम कट करके देख लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं हमारा मोदक कितना स्मूथली कट हुआ है और अंदर की फिलिंग भी कितनी बढ़िया दिख रही है। तो ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट और बढ़िया लगता है। तो ये देखिए हमने ये सारे मोदक एक बॉक्स में रख दिए हैं। तो इन्हें देखने के बाद कोई कहेगा भी नहीं कि ये मोदक हमने घर पे बनाए हैं, तो कोई भी कहेगा कि अभी बाजार से लाए हैं। तो आप ये मोदक इसी तरह से जरूर बनाकर देखिए, जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपके मोदक कैसे बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।